नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल और कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूल अंक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और उसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का अभिवादन। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं मूल अंक के अनुसार आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आने वाला भविष्य। और शुरुआत करेंगे मूलांक एक से। मूलांक एक सूर्य का अंक रहता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापारिक निर्णय लेने में देर ना करें। नए कार्यों का प्रारंभ आज नहीं करें। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मन मुटाव होगा। और शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक दो, चंद्रमा का अंक। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से नुकसान हो सकता है। सिर्फ अपने काम से काम ले। और संतान की आजीविका संबंधी चिंता रहेगी, तो कहीं ना कहीं दिखावे से दूर रहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। और शुभ रंग की अगर बात करें मित्रों, काला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक तीन, बृहस्पति का अंक है। कहीं न कहीं आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि होने से कठिन कामों को भी आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। और कहीं न कहीं प्रिय व्यक्ति से आज आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी। और शुभ रंग की अगर बात करें मूलांक तीन वालों, तो पीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी हैं सीकर से, जो कि अपनी भांजी पूनम के लिए जानना चाहते हैं। पूनम की जन्म की तारीख है 18/9/1986। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जी, उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है GNM, तो मैं चाहता हूँ इसकी सर्विस कब तक लग जाएगी। जितेंद्र जी, आपकी भांजी की जन्म तारीख है 18/9/1986। 1 और 8 9 का अंक है। तो पहले तो मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहूँगा, आपकी भांजी की कैलकुलेशन में सरकारी नौकरी के संपूर्ण योग हैं। और कहीं न कहीं ये जो चलित में 2 महीने चल रहे हैं, जून और जुलाई, इन 2 महीनों में उसके सरकारी नौकरी के लगने के भरपूर योग हैं GNM के अंदर। आप अपना प्रयास करते रहिए, सरकारी जो भी नौकरी मिलेगी वो कहीं ना कहीं से सफलता प्रदान करेगी। कैलाश जी, बेसिकली आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हमारे शो में, वो चर्चा रहेगी व्यापार पर बेस्ड। जी, बेसिकली क्या है कि हर कोई चाहता है व्यापार करना अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी, बट कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है, किसी के पास कभी धन की कमी होती है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मूलांक के अनुसार कौन कौन से वो मूलांक है जो व्यापार करने के लिए बिल्कुल उचित होते हैं, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, आज हम जो हमारी जो चर्चा है वो व्यापार के ऊपर है। बहुत से लोग आज इस महंगाई के प्रतिस्पर्धा के युग में सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी हासिल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनके पास अंतिम मौका बनता है व्यापार का। और कुछ हमारे भाई बंधु जो है व्यापार में भी असफल हो जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए। और जो लोग नौकरी से परेशान होकर व्यापार में आना चाहते हैं, उनके भी लिए भी ये लाभदायक सूचना रह सकती है। मूलांक अगर हम एक की बात करें, सूर्य का अंक है, तो मूलांक एक वालों के लिए कहूँगा, कभी भी 2 नंबर का काम न करें। कभी भी शराब हुआ, ऑयल पेंट हुआ, और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा काम भी आप न करें। अगर आपको काम करना है तो विशेष रूप से कपड़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर या सरकारी जो टेंडर वगैरह मिलते हैं उनके अंदर अगर आप प्रयास करें, तो आपका व्यापार सफल रहेगा। और मूलांक दो की अगर बात करें,
चिकित्सा से जुड़ी हुई, आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, होलसेल का काम करते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट, कैमरा वगैरह, इनकी अगर आप खरीद फरोख्त का काम करते हैं और विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं, तो मूलांक दो वाले ज़्यादा सफल रहेंगे। और मूलांक तीन गुरु का रहता है, तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए किसी भी तरह का व्यवसाय, आप अपना खुद का स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, बुक्स में लेन देन करते हैं या कोई एसेसरी में लेन देन करते हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सरकारी योजनाओं में अगर आप लेन देन करते हैं तो उसमें भी मूलांक तीन वालों को भरपूर लाभ रहेगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर से लाभ ध्यान रखिएगा मूलांक तीन वालों, कभी भी साझेदारी में व्यापार मत कीजिएगा, वो आपके लिए भरपूर नुकसानदायक रहेगा। कैलाश जी के लेखक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रचना जी हैं भरतपुर से, इनकी जन्म की तारीख है 4/11/1995। रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार रचना जी। हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मुझे अपने बारे में पूछना है कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है या नहीं। रचना जी, 4/11/1995 चार का अंक भरपूर सफलता का, राहु का रहता है, तो कहीं ना कहीं ये तो आपकी कुंडली में निश्चित है कि सरकारी नौकरी तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन एक चीज़ से और निश्चिंत कर देता हूँ कि आपका जिससे विवाह होगा वो भी सरकारी नौकरी पैसे वाला ही होगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 8, 17 और 26 इन दिनांक को जन्मे हुए व्यक्ति से न तो आप रिलेशन रखिए और न ही इन दिनांक को कोई नया काम आप कीजिए। और कहीं ना कहीं जो आपने इंजीनियरिंग का फील्ड लिया है वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। कैलाश जी, अभी तक हमने मूलांक 1 से लेकर 3 तक की बात की कि जो व्यक्ति होते हैं 1 से लेकर 3 मूलांक तक के, उन्हें व्यापार करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, और व्यापार भी करें तो कौन सा करना चाहिए। इसी तरह आगे के मूलांक के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आगे के मूलांक के बारे में अगर हम बात करें तो मूलांक 4 राहु का अंक बनता है, कहीं ना कहीं उठा पटक का अंक बनता है। तो राहु प्रधान व्यक्तियों को धर्म, आध्यात्म या ज्योतिष, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं, नगीनों में आप लेन देन करते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं, मंदिर को गोद लेते हैं, या किसी तरह के धार्मिक कामों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। 4 के अंक वालों के लिए एक चीज़ या एक विशेष सूचना है कि वो कभी भी ज़मीनों में लेन देन न करें, जमीन की खरीद फरोख्त करना 4 वालों को बर्बाद करके रख देता है। और 4 के अंक वाले अगर साझेदारी में अगर कोई काम करते हैं या अति विश्वास में किसी से बड़ा लेन देन करते हैं तो वो भी उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। और मूलांक 5 की अगर बात करें तो बुध का अंक है और वो व्यापार का सर्वश्रेष्ठ नंबर है, तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा जिनका भी मूलांक 5 है उन्हें व्यापार ही करना चाहिए, वो हमेशा सफल रहेंगे, चाहे वो कपड़े का करें, इलेक्ट्रॉनिक्स का करें, कहीं ना कहीं वो रूटीन की जो डिपार्टमेंटल स्टोर है फूड का काम करें तो भी उनको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप स्टोन से जुड़ा हुआ मीन्स टाइल्स मार्बल्स का काम भी आप करते हैं तो विशेष रूप से मूलांक 5 वालों को सफलता मिलेगी। और बात करें मूलांक 6 की, शुक्र का अंक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक बार अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। आप फिल्म मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्र में भी अगर जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और कहीं ना कहीं इनके अंदर आप प्रोडक्शन हाउस के अंदर या इनकी जुड़ी हुई एसेसरी के अंदर लेन करते हैं, फिल्म मार्केटिंग जाते हैं या सिनेमा हॉल अपना खोलते हैं तो उसमें भी विशेष रूप से सफल रहेंगे। कैलाश जी अभी के लेखक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजसमंद से भगवती लाल जी हैं, इनकी जन्म की तारीख है 14/5/1963। भगवती लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। भगवती लाल जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भगवती लाल जी। जी मेरा जन्म तारीख तो 14 मई 1963 है जी, और दिन में 1:30 बजे का जन्म है। मैं बहुत परेशान हूँ, अभी घर से डूबा हुआ हूँ, बच्चों की शादी भी हो गई, अभी बच्चे भी जॉब पे नहीं लगे हैं अभी तक। भगवती लाल जी, 14 तारीख 1 और 4 5 का अंक बनता है, तो कहीं ना कहीं 5 का अंक बुध आपका काफ़ी ख़राब या कहते हैं ना जिसकी डिग्री बहुत डाउन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं गणेश पूजा कीजिए। और पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपका किसी साधु महात्मा का अपमान आपसे जरूर हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी भी शिव मंदिर में जाके धोख लगा के अपने पास्ट में हुई गलतियों की माफ़ी मांगिए, शिव पूजा एक बार जरूर करवाइए, आपको जो भी समस्याएं और तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगी।
कैलाश जी, अभी तक हम मूलांक 5-6 तक की बात कर चुके हैं कि उन्हें कौन सा व्यापार करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही आगे के मूलांक के बारे में जानना चाहूंगा मैं आपसे, मूलांक 6, मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। अर्पित जी, मूलांक 7 कहीं ना कहीं केतु का जल तत्व का मालिक रहता है, तो इन अंकों वालों को सबसे पहले तो यही सलाह है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपना व्यापार करेंगे या पानी वाली जगह, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या जहाँ पानी है, समुद्र है, उन जगहों पे अगर आप जाके अपना व्यापार करते हैं तो ज़्यादा सफल रहेंगे। 7 के अंक वालों को होटल मैनेजमेंट के अंदर, टूर एंड ट्रेवलर्स के अंदर या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अगर वो कोई लेन देन का कारोबार अगर करते हैं तो विशेष रूप से उनको लाभ रहेगा। और मूलांक 8 वाले शनि का अंक है, तो कहीं ना कहीं मूलांक 8 वालों एक चीज़ गौर फरमाइएगा, वैसे तो आपको उछलता हुआ पैसा हमेशा ही लाभ देगा, चाहे आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक का, किसी तरह का 2 नंबर का काम करते हैं, तो आपको उछलता पैसा हमेशा लाभ देगा लेकिन वो आपको फलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं 8 के अंक वालों को हर काम में सफलता मिलती है, कोई भी व्यापार कर ले, लेकिन जो ज़मीर आपका गवारा करे वो व्यापार कीजिए। कहीं ना कहीं आप फूड के बिज़नेस के अंदर, ऑयल के बिज़नेस के अंदर और अल्कोहल के बिज़नेस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ रहेगा। और अंत में मंगलमुखी सदा सुखी, मूलांक 9, 9 के अंक वालों को ज़मीनों के अंदर, चाहे आप घर बना के बेच रहे हैं चाहे ज़मीन खरीद रहे हैं, वो विशेष रूप से आपको लाभ देगा। और कहीं ना कहीं वकालत के फील्ड में या लॉ के फील्ड में आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए एक गौर फरमाने वाली चीज़ जरूर कहूँगा, आप जीवन में कभी भी अपना कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान अगर खोलते हैं तो महिला प्रधान नाम से ही खोलिएगा, वो विशेष रूप से लाभ देगा। जिस तरह से लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, सरस्वती फूड एंड मिनरल्स, तो इस तरह का नाम आपको भरपूर लाभ देगा। तो दर्शकों, कैलाश जी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी है उसे ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। दैनिक भविष्यफल में हम बात करते हैं आज मूलांक 4 की। भागीदारी में समय पर लिए गए निर्णयों से लाभ होने के भरपूर योग है और कहीं ना कहीं संतान के कार्यों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग की अगर बात करें मित्रों, तो आसमानी रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। और मूलांक 5 बुध का अंक स्थायी संपत्ति के सौदों से लाभ के भरपूर योग है और कहीं ना कहीं अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास न करें, जो दैनिक जीवन में आपके काम आने वाले लोग हैं उनसे ही आप सलाह करें, और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। शुभ रंग की अगर बात करें तो नीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 6 शुक्र का अंक है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा, रोजगार के क्षेत्र में नए अनुबंध आपको लाभकारी रहेंगे और कहीं न कहीं मित्रों प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे। पूंजी निवेश आज आपके लिए शुभ रहेगा। और शुभ रंग की अगर बात करें, सफेद रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम जी हैं राजसमंद से, इनकी जन्म की तारीख है 25/11/1998। विक्रम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण जी, मेरे को मेरी लव लाइफ के बारे में पूछना था, कुछ भी करता हूँ तो आगे नहीं होता। विक्रम जी कहते हैं ना, समय से पहले अगर प्रयास कर दिया जाए तो सफलता नहीं मिलती। 2 और 5, 7 का अंक है, कहीं न कहीं आपको अपने उम्र के 21वें वर्ष के बाद ये चीज़ें करनी चाहिए। आपने समय से पहले प्रयास किए तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा भी बाधित रहेगी और पारिवारिक और मानसिक तनाव भी जीवन में हमेशा रहेगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पहले अपनी शिक्षा को पूरा कीजिए, उसके बाद इन चीज़ों में जाइए। 21वें वर्ष से पहले अगर आप इन चीज़ों में जाते हैं तो आप चारों तरफ अपना मामला खराब ही करेंगे। और गणेश पूजा कीजिए ताकि आपका ध्यान यहाँ से हटके शिक्षा के अंदर जाइए, अभी ये चीजें आपके लिए उचित नहीं है। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।